भैया ये काम आप कर सकते हो। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, अभी देख सकते हो दोपहर का समय हो रहा है, पूरा ट्रैफिक जाम है पूरा। और अभी हमारा क्लास है हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स की, तो चलते हैं क्लास करने के लिए। अभी आवाज़ की शायद इश्यू आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि जाम लगा हुआ है सब कोई। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है, कोई भी नहीं बजा रहा है। मतलब भले सब अपना साइड से जा रहा है, कट लगा के जा रहा है, सब पूरी चारों साइड से भीड़ लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। उस साइड से भी पूरा जाम है, इधर भी जाम है, और मेरे पीछे भी देख सकते हो पूरा जाम ही है। तो इसके वजह से अभी बस का वेट कर रहे हैं। मेरा बस आ चुका है, उधर देख सकते हो। ये बस टोटली तो वहाँ नहीं जाती है, लेकिन आधा दूर तक जाएंगे। इसी से चल देंगे हम अपना क्लिनिकल सेंटर हॉस्पिटल, यहाँ के पास है, तो चलते हैं। और यहाँ में बस स्टॉप के पास में यहाँ पे सेकेंड हैंड स्टोर है, देख सकते हो। यहाँ पे बोले ना, पूरा यूरोपियन कंट्रीज इधर जितना भी है, यूज़बेकिस्तान, जितने भी बालकन्स कंट्री हैं, स्लाविक कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्री के पास पता है, सारे कंट्री में सेकेंड हैंड स्टोर है। तो चलते हैं गाइस। ये मेरे पीछे अभी देख रहे होंगे क्या, क्योंकि भीड़ लगा हुआ अच्छा खासा, पता है वो भीड़ किस वजह से है। वो आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे को सारे बच्चे घर जाते हैं, और यहाँ पे है ना कोटा, जिस तरह इंडिया में अपना कोटा वाला माहौल है ना, उसी तरह यहाँ पे इस शहर में, जिस शहर में मैं कर रहा हूँ अपना MBBS ग्रेजुएट में सर्बिया का, तो ये माहौल पूरा उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे हैं। सारे मेडिकल कॉलेज का ऑलमोस्ट जितने कोर्सेस होती है सारी, चाहे टूरिज्म हो, हर एक प्रकार की कोर्सेस इस सिटी में है यहाँ पे। तो इसी वजह से हमें लगता है ना कि यहाँ पे मतलब कोटा वाला वाइब्स है, उसी टाइप की यहाँ पे रूम्स भी मिलते हैं। बट हम लोग के लिए वो रूम सेटल नहीं हो पाते, अच्छे नहीं लगते हम लोग को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, और सर्बियन क्या करते हैं, अपने घर से खाना बनवा के ले आते, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रेड व्रेड तो खा के जिंदा रह लेते हैं, वीकेंड के दिन घर चले जाते हैं, तो तीन चार दिन क्या होता है कि घर का बना हुआ खाना ले आते हैं, और उसी को ये लोग गर्म गर्म करके खा के काम चला लेते हैं। अब वो चीज़ हम लोग से होता नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग को कोटा वाला फीलिंग नहीं हो पाता, क्योंकि कोटा में जैसे क्या था कि प्रॉपर स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे पता है मैंने देखा क्या कि आप एक रूम ले लो, प्राइवेट रूम ले लो, और उसमें क्या आपको मिल जाएगा, ये अलग से बाहर में जिस तरह किलो के हिसाब से अपने कोटा में हम लोग कपड़ा धुलवाते थे, यहाँ भी वो लॉन्ड्री सर्विस है और उस तरह की सर्विसेज वगैरह है। बस थोड़ी सी क्या है कि करेंसी के वजह से हम लोग को थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, सस्ता नहीं लगता है, और कोटा हम लोग को थोड़ा सा सस्ता लगता था, क्योंकि कोटा में क्या था कि जैसा चीज़ खोजो, अगर आपको हाई लेवल में खोजना है तो हाई लेवल में भी मिल जाएगी, लो लेवल की चीज़ें खोजनी है तो लो लेवल में भी मिल जाती थी। इसी तरह यहाँ पे इस शहर में है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं चल रहा हूँ, इस वजह से बस में बैठा था, बट वो क्या होगी, बस रोड़ा सेंटर के लिए मुड़ जाती है और हमें मेरा यूनिवर्सिटी अलग जाती है, तो इसके वजह से। और चलते हैं जल्दी से, टाइम भी हो गया, दौड़ना पड़ेगा ब्लॉग बंद करके। सो गाइस, फाइनली तो पहुंच गए यूनिवर्सिटी, बट लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से लिफ्ट खुले। सो गाइस, हमारा क्लास पीडिया का ख़त्म हो गया है, और जो मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में क्या कि कोटा वाला सीन, कि कोटा वाला सीन इसलिए क्या है यहाँ पे, क्योंकि पूरा शहर में चारों साइड से तो यूनिवर्सिटी और सारे यूनिवर्सिटीज़ है, सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है, और ऊपर से क्या कि यहाँ पे मतलब जो हॉस्टल्स हैं, स्कॉलर्स बंदे को हॉस्टल मिलते हैं, मतलब जो अच्छे स्कोर्स करते हैं, जिस तरह अपने यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती है ना, गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं, कि उसी छात्रावास में वही बच्चे रह सकते हैं जो गवर्नमेंट मतलब अच्छा स्कॉलर्स हो, जिसके अच्छे मार्क्स हो, वही लोग को हॉस्टल मिलेगा, तो उसी तरह का यहाँ भी है। तो ये चीज़ से एकदम पूरा माहौल स्टूडेंट वाला लगता है। प्रोफेसर यहाँ पे हमको कल बता भी रहे थे कि वो ट्राई करेंगे कि अगले सेमेस्टर से, मतलब अगला जो जैसे अपन फिफ्थ ईयर में, अभी सिक्स्थ ईयर जब स्टार्ट होगा तब तक वो ट्राई करेंगे कि इंडियन बच्चों को भी वहाँ पे देने का वो। नहीं, ये सब तो फिर दूसरी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो होना मुश्किल है, लेकिन करने के चाहे तो कर सकते हैं ये लोग, लेकिन हमें नहीं लगता है, होप ना दे दे तुम इन लोग को, क्योंकि यहाँ का जो चार्जेस है, फ्लैट चार्जेस 150 और
रहने का आपका पड़ जाएगा 150, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव। लेकिन बट ये सर्बियन जो लोकल स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बहुत बेस्ट है, हर चीज़ मतलब कोटा वाला फीलिंग देता है। चलते अभी फैकल्टी। गाइज हम पहुँच गए हैं अपना कहाँ पे, यूनिवर्सिटी के पास फैकल्टी में, क्योंकि हमारा अभी एग्ज़ाम है मॉड्यूल। तो चलिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मॉड्यूल देते हैं और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से समझ क्या रहे होंगे, जो समझ रहे नाम से वो नहीं रहता है। नहीं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नाम से ही बेस्ड है कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगी, उसमें क्या मेडिसिन देना रहेगा, केस हिस्ट्री दिया रहेगा, क्या पेशेंट ये टॉपर है ना, इसीलिए कि वो ऐसा ताना मार रही है। लड़कियां टॉपर होती है ना तो ताना मारती है, क्या मैं सही बात बोले ना? ये इतना बोल दे नहीं बोलना था। सही बात है, सही बात है। भैया जो बोल रहे हैं वो सही है। बहुत ही बंदा है, लड़की देख के बदल जाता। बड़े आराम ही हो, बड़े आराम ही हो। जीरोक्स करवाना पड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जीरोक्स करवाने का 5 दिनार पर पेज है, और यहाँ एक ही पेज पे जीरोक्स कर दे फार्माकोथेरेपी इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे देख सकते हो प्राइजेस फॉर 1 पेज इज 5 दिनार। When it's over 50 pages. Okay, and when this is only 1 page then? 10. And like this? 10. Oh, 10 dinar. Okay, thank you. यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें भी रखी हुई है, यहाँ पे आके अपने यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे है ये वाला, देखो बाहर वाला रास्ता यूनिवर्सिटी से आओगे सीधा यहाँ तक। सो गाइस जीरोक्स करवाने के बाद फिर से हमारे इंटरनल की क्लास थी, तो इंटरनल की क्लास में दिखा रहे थे ईसीजी निकालने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। जब हमारा क्लास खत्म हो गया, व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हो रहा? 6:25। हमें लगा ज़्यादा बताएंगे 8। सो गाइज अभी हमारा क्लास ख़त्म हो गया 6:25 शाम हो गया, पूरा अंधेरा छा गया है। वैसे गर्मी के दिन में यहाँ पे जल्दी अंधेरा नहीं होता है। या सो गाइज अभी हमारा लेक्चर है 9 बजे तक, और एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम लेक्चर सब है, तो आज जिम भी नहीं जा पाएंगे, आज बस क्लास के ही लिए दौड़ते दौड़ते रह गए। उधर जीरोक्स भी कराने चले गए। सुबह फाइनली दिखा रहा है, यहाँ मैं देख रही सब बोलते हैं। सबसे दिक्कत यहाँ खाना का ही है, इसी वजह से यही सब खा के जीना पड़ता है। देखो स्पेनिश रोल है, इसी में जीवन काटना पड़ता है, यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है इंडियन वाला, सोच रहे दुकान ही खोल दें यहाँ पे। भैया ये काम आप कर सकते हो। हेलो जिससे काम चल जाता है ये थोड़ा थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव नहीं यार जाने दे। गाइस हमारा एग्ज़ाम अभी क्या हुआ कि जिस रूम में बैठे थे वो रूम में चेंज कर दिया गया, अब दूसरा हॉल में लाया गया, क्योंकि हॉल बड़ा था वो छोटा पड़ जा रहा था, देख सकते हो यहाँ पे। अंशु शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द एग्ज़ाम। सो गाइस हमने पेपर ख़त्म कर दिया है, और हमारे साथ हमारे ब्लॉगर साहब हैं, तो वो बताएंगे कैसा गया पेपर। यही रखते लाइट बाहर ले आइए। सो गाइस पेपर क्या हुआ कि सही था, बट इसमें क्या था कि रिटर्न पेपर था, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न 3-4 तरीके से होते हैं, 3-4 तरीके से। वो एग्ज़ाम पैटर्न का सिस्टम ये है कि आपको MCQ वाला कभी मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला कभी कभी मिलेगा, और कभी कभी रिटर्न मिलेगा, तो दोनों मिलेगा। MCQ है क्या कि जैसे एक सेशन होता है ना, कि जैसे पल्मो कार्डियो नीरो इस तरह करके है ना, इस तरह करके मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 में बटा हुआ रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग एग्जाम होता है। जैसे अभी एक मॉड्यूल पूरा खत्म हो जाएगा पल्मो का, तो पल्मो का एग्जाम होगा, कार्डियो का खत्म हो जाएगा कार्डियो का, इस तरह करके कुछ सेट्स ऑफ मतलब 4-5 लेक्चर्स के सेट्स रहते हैं, उसके अनुसार एग्ज़ाम होता है। और फिर ये आगे बोले क्या नेक्स्ट ईयर से
ये लोग मतलब दो ही मॉड्यूल करेंगे, साल में दो ही मॉड्यूल होगा ऐसे। वैसे अभी हम लोग पहली बार आए तो हम लोग को चार मॉड्यूल, एक साल में चार मॉड्यूल का एग्ज़ाम देना होगा, फिर लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम भी देना होगा, जिसमें फाइनल एग्ज़ाम में वाइवा होगा और उसमें पांच टीचर रहेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न यही है यहाँ पे, और एग्ज़ाम को पास करना कंपलसरी है। और उसके बाद ये आ रहा है हमारे साथ, ये बताएगा सही बात कैसा, हाउ वाज योर एग्ज़ाम, इट्स गुड, कैसा हो, मतलब कितने सेट्स थे इसमें, कितने लेक्चर्स के क्वेश्चन आए थे इसमें? फाइव लेक्चर्स इन थर्ड मॉड्यूल एंड इट इज गोइंग ऑन। ओके, सो आप कहाँ से हो बेसिकली, यूक्रेन में कहाँ से? पोल्टावा से। यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्राजोवाक कैसा लग रहा है? बेटर देन यूक्रेन। बेटर देन यूक्रेन, और यहाँ का क्या मतलब क्या खासियत है, इस यूनिवर्सिटी का क्या खासियत है, क्या अच्छा लग रहा है आपको? फॉर अस वी हैव गुड क्लिनिकल एक्सपोजर हियर, वी सॉ द मेनी पेशेंट्स रिगार्डिंग देयर माइकोटिक इन्फेक्शंस एंड एनजीएम। नहीं मतलब अच्छा क्या लगता है, अच्छाई क्या लगता है, स्टडी पैटर्न अच्छा है? यस, दे हैव वेरी गुड करिकुलम हियर एंड ऑल्सो पीपल आर वेरी गुड हियर and this much better than Ukraine, as I know, as for my perspective and according to me, that's everything okay. Thank you Dr. Sahib, thank you. So guys, तो भैया आपका आपका फाइनल प्रेडिक्ट बताओ कि हाँ एग्जाम पास होंगे फेल होंगे क्या उसका, हम तो वो जानना है हमें। सो गाइस, हमारा भी पेपर जैसा ब्लॉगर साहब का गया है वैसे ही गया है, क्योंकि हम भी उन्हीं के पास बैठे थे। तो अब आगे का जर्नी आपको ब्लॉगर साहब बताएंगे, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, यही होता है जिम, तो जोश जोश में ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में इश्यू आता, बाद में दिक्कत होने लगती है। दिक्कत क्या आती है, जैसे कि अभी सुबह से क्लास चली मेरी और क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ खाए पिए नहीं, अब क्या जिम होगा, क्या उठेगा, वजन वगैरह कुछ भी नहीं उठेगा। तो अब फिर भी आ गए, सोचे यहाँ पे है ही, थोड़ा सा वार्म अप ही कर लेंगे, तो क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रहता है। और जिम ट्रेनर भी बोलने लगता है कि क्या करते हो, आते नहीं हो, क्यों नहीं आते हो, इसकी वजह से। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर। सो गाइस, फाइनली जिम तो करके बाहर निकल गए और अब चलते हैं चिकन खरीदते हैं, और चिकन खरीद के फिर बनाते हैं चिकन। सुपरमार्केट आ गए हैं और यहाँ देख सकते हो ये सुपरमार्केट, चलते हैं इसमें, आज लेंगे दूसरा चिकन का पार्ट, दूसरा वाला, तो देखते हैं वो मिलेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ब्रावो, चिकन तो है। हेलो, सो गाइस बस आ गई फाइनली। सो गाइस फाइनली मेरा डिनर तैयार हो गया, देख सकते हो। तो गाइस अब घर आ गए हैं और डिनर भी तैयार हो गया, अब खाते हैं जल्दी से, और चिकन तो मिला नहीं था। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जीत ब्लॉग्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।